नमस्कार, भारतीकाकड़े.com पर आपका स्वागत है। आज हम एक स्नैक्स बनाएंगे। इवनिंग स्नैक्स ये बच्चों के लिए बहुत ही पसंद होते हैं। ये बेबी कॉर्न फ्रिटर्स, ये बहुत ही आसानी से घर में बना के बच्चों के लिए खिला सकते हैं। आइए इसे क्या क्या सामग्री चाहिए इसे देखते। यानी बेबी कॉर्न ले लिए, इसके लिए मैदा, कॉर्नफ्लोर और जिंजर, गरम मसाला, हरा धनिया, बेकिंग पाउडर और चिल्ली फ्लेक्स, एक कॉर्नफ्लेक्स है, इसके लिए नमक और तेल चाहिए। मैंने इस तरह से काट के आधा काट के ले लिया है बेबी कॉर्न। आइए इसे बनाना शुरू करते। पहले हम मैदा एक बोल में डालते हैं मिक्सिंग के लिए। और क्रंची के लिए कॉर्नफ्लोर डालते हैं। और जिंजर ले लिया मैंने थरथरी से, इसे भी डाल लेते हैं। और चिली फ्लेक्स डालते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक डालते। इसे पूरा मिक्स कर लेते हैं। पूरा मिक्स हो गया, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर लेते। ये मिक्स हो गया, इतना गाढ़ा रहना है। इसमें बेबी कॉर्न डिप कर लेते। हमने कॉम्प्लेक्स इसमें डाल के हमें पलट लेते हैं। इसमें ये तैयार हो गया, इसे हमें फ्राई करते हैं। हमें गैस चला देते हैं और पैन रखते हैं, तेल डालें। चेक करते हैं तेल गर्म हो गया कि नहीं। ये तेल गर्म हो गया, हमें तलने के लिए डाल लेते हैं। थोड़ा कलर आने के बाद धीमी आंच पर हमें इसे फ्राई कर लेते, तो अंदर से बेबी कॉर्न भी पक जाता है। थोड़ा कलर आ गया, धीमी आंच पर फ्राई करते।
पलट लेते। ये लाइट ब्राउन आ चुका है, इसे निकाल लेते। यूनिक स्नैक्स तैयार हो गया है। ये बहुत ही आसानी होती है और इसके साथ मैंने टमाटो ग्रेवी भी ले लिया है। इससे पहले मैंने ये टमाटो ग्रेवी पहले वीडियो में बना लिया है, इसे आप भी बना लीजिए। इसके साथ टमाटो ग्रेवी बहुत ही टेस्टी होती है, इसे आप भी ज़रूर बना लीजिए। मेरा रेसिपी वॉच करने से मेरी तरफ से आपके लिए धन्यवाद।